और बलिया में बीजेपी विधायक और वन विभाग के अफसर आमने सामने हैं। आरोप के मुताबिक बीजेपी विधायक केतकी सिंह और उनके समर्थकों ने वन विभाग के अफसरों और कर्मचारियों से बदसलूकी की है और अवैध आरा मशीन पर कार्रवाई से रोकने का दबाव बनाया है। वन अधिकारियों का कहना है कि वो लोग एक अवैध आरा मशीन सील करके कार्यालय लाए और यहां पर बीजेपी विधायक केतकी सिंह 50-60 कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थी और वो आरा मशीन पर कार्रवाई रोकने के लिए उन पर दबाव बनाने लगी, लेकिन विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया तो वहीं वन विभाग ने भी सीलिंग कार्रवाई के दौरान बदसलूकी के आरोपों को खारिज कर दिया। जब हम ऑपरेशन करने गए तो स्थानीय लोगों द्वारा प्रेशर आने लगा कि आप फोन पर किसी से बात कर लीजिए। हमने नहीं किया, हम ऑपरेशन करके यहाँ वन विभाग में वापस आए। तो यहाँ पर माननीय विधायिका जी बांसडी रेंज लगभग 50-60 लोगों के साथ मौजूद थी। मुझ पर और हमारे कर्मचारियों पर गलत आरोप लगाए गए कि हमने कुछ बदसलूकी करी है, जैसा ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ जब हम लोग प्रभागीय निदेशक महोदय के कार्यालय में आए जीरा बस्ती में, तो यहाँ पे पहले से ही माननीय विधायिका जी जो विधानसभा क्षेत्र बांसडी की हैं, केतकी सिंह जी, वो और उनके साथ कुछ लोग थे, 50-60 लोग जो मौजूद थे, उन लोगों ने हम लोग का घेराव किया, अपशब्द कहा और कुछ इस तरह की विवादास्पद स्थितियां पैदा हुई कि हम लोग जो कि बाधा राजकीय दायित्वों में कार्य करने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे थे। मैं तो डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि उस पूरे डीएफओ कार्यालय में कोई एक व्यक्ति मुझे बता दे, एक व्यक्ति जिसने ये कहा हो कि उसने मेरे मुँह से कोई आरा मशीन का शब्द भी सुना हो। मतलब कहना तो बड़ी बात है, आरा मशीन ये शब्द मैंने अगर उस पूरे कार्यालय में इस्तेमाल किया हो तो फिर मेरे ऊपर आक्षेप मुझे मंजूर है। मैं तो जब से गई हूँ मैंने एक ही बात कही है, भाई आप अपना रजिस्टर मुझे दिखाइए कि कितने कर्मचारी, क्योंकि वन विभाग ऐसा विभाग है जो ज़्यादातर नज़रअंदाज हो जाता है, हम देख नहीं पाते, हम सारे अन्य विभागों को देखते हैं। और गोरखपुर में बस और ट्रक में टक्कर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक ही लेन में ट्रक और बस के आने से यह हादसा हुआ है। बेलीपार थाना क्षेत्र के वाराणसी हाईवे पर कल यह हादसा हुआ था और इस हादसे में 6 यात्री और ड्राइवर कंडक्टर घायल हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज से ये स्पष्ट है कि कैसे ट्रक और बस दोनों एक ही लेन में आए और आमने सामने ये टक्कर हुई। इस हादसे में 8 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और जब ये एक्सीडेंट हुआ उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आमने सामने टक्कर होने के बाद ट्रक और बस वहीं रुक गए, लेकिन इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए। कल ये घटना हुई है, बस और ट्रक में टक्कर हुई। गोरखपुर में ऑन रोड ये हादसा हुआ है जहां एक ही लेन में ट्रक और बस आ गए और दोनों की भिड़ंत हो गई। और खबर बरेली से, जहां भीषण गर्मी के चलते प्राइमरी स्कूल के बच्चे और टीचर बेहोश हो गए। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 करने की मांग की है। कैंट थाना क्षेत्र के आलमपुर जाफराबाद के प्राइमरी स्कूल का ये पूरा मामला है। झांसी में पेट्रोल भरवाने के दौरान एक बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते बाइक धू धू करके जलने लगी। पेट्रोल पंप कर्मचारी बाइक को पेट्रोल पंप से बाहर ले गए। हादसा मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के टीकमगढ़ मार्ग पर बने सिरोठिया पेट्रोल पंप पर हुआ। आग के गोले में तब्दील हो गई एक बाइक। आसपास खड़े हुए लोग ये भयावह मंजर देख रहे थे, बहुत से लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। एक बाइक पूरी तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गई। पेट्रोल पंप पर एक बड़ा हादसा टल गया। लपटों का तांडव, किस तरह धू धू कर जली बाइक। मथुरा में पुलिस ने साइबर ठगी के आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों की संपत्ति कुर्की है। थाना गोवर्धन क्षेत्र के देवसेरस गांव के वारिस और आसिफ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और पुलिस ने डीएम के निर्देश पर साइबर ठगी के आरोपियों की 5,37,26,000 की संपत्ति को जब्त किया। कुर्की गई संपत्ति में मकान, खेत और ट्रैक्टर शामिल है। एक मकान, एक ट्रैक्टर, एक बाइक और जयपुर के अंदर इनके 2 प्लॉट है जिसमें आज डीएम सर की तरफ से 14-1 में कुर्की का आदेश हुए हैं और आज देवसेरस गांव में यहाँ टीम के साथ इनके घर की, मकान की और कृषि यंत्रों की और ट्रैक्टर की, बाइक की एवं पाइपलाइन की कुर्की की जा रही है और
इसी तहत यहाँ पे हम लोग यहाँ मौजूद हैं। सर टोटल संपत्ति कितनी की बताइए? इनकी टोटल वैल्यू इसकी इनकी प्रॉपर्टी की करीब 6 करोड़ रुपए है। देवरिया की गौरी बाजार पुलिस ने शराब तस्करी का पर्दाफाश करते हुए 70 पेटी अवैध इंग्लिश शराब बरामद की। साथ में 2 शराब तस्करों को अरेस्ट किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बरारी चौराहे से अवैध शराब की तस्करी होने वाली है और उसके बाद पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। बिहार नंबर की गाड़ी को जब चेक किया गया तो उसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन चालक के स्वभाव से पुलिस ने फिर गाड़ी चेक की तो ट्रक ड्राइवर के कैबिन के ऊपर बनी छत में एक तहखाना बनाया गया था जिसमें अवैध शराब की खेप छिपाकर रखी गई। यह अवैध शराब बिहार राज्य में तस्करी होने वाली थी। जनपद देवरिया के थाना गोरी बाजार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बरारी मोड़ के पास से एक ट्रक के चालक केबिन के अंदर छत में अलग से केबिन बनाकर उसमें छिपाकर रखी गई कुल 70 पेटी अंग्रेजी शराब को बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। 4 शातिरों को पुलिस ने जेल भेज दिया। पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी थी और आरोपियों से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। हाईवे पर ट्रकों से डीजल चुराने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। हैदरगढ़ पुलिस और स्वाट टीम को यह कामयाबी मिली है और एक बदमाश मंगल उर्फ मंगल के पैर में गोली लगी है। मंगल शेर बहादुर उर्फ शेरू, अरबाज उर्फ राजा, मोहम्मद जिकरान उर्फ रज्जन, इन सब की गिरफ्तारी हुई है और बछरावा रोड पर 2 ट्रकों से 400 लीटर डीजल चोरी की घटना में ये सभी आरोपी शामिल थे।